नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। रघु। अरे श्री सलम भाई, आइए। कम, क्या बात है, दिन प्रतिदिन धुंध बढ़ती जा रही है। अच्छा ये बताओ, मेरा ऑफिस कैसा लगा? तुम्हारा ऑफिस तो एकदम मस्त है, तुम कैसे हो? अरे यार दिख नहीं रहा है क्या, बॉडी एकदम गुरिल्ला जैसी हो गई है। खाते पीते खानदान का हूँ यार। तुम्हारे लिए शराब शबाब साथ में कबाब मस्त बिरयानी सब कुछ तैयार किया है। अपनी दावत तो ऐसी है कि दुनिया देखकर परेशान हो जाए। अपने दोस्तों का ऐसा वेलकम करना हो क्या? बड़े भाई कौन है ये नया छोकरा? नया लड़का है। बड़े भाई सेल्फी। कुल्फी? वो क्या होता है? सेल्फी है बड़े भाई, गाना नहीं सुना है क्या? यहाँ से सीधा बटन दबाने में फोटो फेसबुक पे अपलोड हो जाता है, फ्रेंड्स लोग लाइक करते हैं तो बड़ा मजा आता है। सच कह रहा है? हाँ बड़े भाई। रघु। हाँ भाई। मेरे कुछ दोस्त यहाँ आने वाले हैं, एक छोटी सी मीटिंग है। बड़े भाई ये ऑफिस तुम्हारा ही है, जितना वक्त चाहिए ले लो, जो करना है करो, अब ठीक है? अच्छा बड़े भाई तुम्हारे सेलिब्रिटी फ्रेंड आ गए, उनसे मेरा इंट्रोडक्शन करवा दो, सेल्फी ले लूंगा। मेरे काम होने तक इंतजार करो, फिर इन्हें तुम्हें ही सौंप कर जाऊंगा मैं। क्या बात है रामनारायण, तुम लोग जाओ, मुझे इससे बात करनी है। कल तक तुम मेरे साथ काम करता था, आज तो पैसों के लिए पुलिस का इन्फॉर्मर बन गया। पैसा फेंका तो कानून ने भी अपना मुंह खोल दिया। बाथरूम का है वहां उस कोने में। बाथरूम ले जा रहे हैं भाई, कोई और शौक तो नहीं पालते हैं? बोलो बाथरूम में क्यों गए? अरे यार तू इशारे नहीं समझता क्या? एक उंगली दिखाना मतलब सीधा काम है, दो उंगली दिखाए मतलब दो नंबर ही काम है। आ जा। माफ कर दो भाई, मुझसे गलती हो गई भाई। अरे रे रे रे, भूल गया, मैंने इंट्रोडक्शन तो करवाई नहीं। रघु भाई राम नारायण, राम नारायण रघु भाई। अब इसका क्या फायदा? फ्रेंडशिप करनी थी ना, सेल्फी लेकर फेसबुक पर डाल दो। लाश के साथ सेल्फी लूंगा क्या? जिंदा वही रहता है जो हमारे साथ वफादार है। जिसने भी इस लकीर को लांघने की कोशिश की उसी वक्त उसकी लाइफलाइन कट। अरे मेरे भाई ये डिलीट सॉफ्टवेयर कंपनी मैंने लोगों को डिलीट करने के लिए नहीं खोला है। तुझे क्या हुआ? खाना खा ले। पहली बार देखा ना भाई, इसलिए घबरा गया होगा। इसको हॉस्पिटल ले जा भाई। ऐसा क्या देख लिया जो हॉस्पिटल पहुंच गया? मैंने मर्डर होते हुए देखा है अनाकोंडा। श्री साइलम के यहाँ मर्डर ही देखने को मिलेगा, ना कि कोई आइटम नंबर। हेलो डॉक्टर। ये क्या है यार, आइटम का नाम लेते ही तेरी आइटम सामने आ गई। ये अब तक कहाँ थी? प्रॉब्लम क्या है? सपनों में दिल से दिल का कनेक्शन नहीं हो पा रहा था, लाइव देखा तो वाह 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 वाह, तीर दिल के आर पार हो गया। हेल्थ प्रॉब्लम क्या है? खून होते हुए देखा है। किसने मर्डर किया? श्री साइलम जी ने मर्डर किया है। श्री साइलम भाई। फ्लोट करने यहाँ आए हो? तुम पड़ जाओगी यकीन हो जाए तो कुछ भी करूँगा। नाम देख रहा हूँ। पार्वती, और कुछ पूछना है? पारो माय गुड डे, तुम केरला से यहाँ क्यों आई हो, किसी ने भगा दिया क्या? ये जानते हो क्या है, लिमिट से ज्यादा दिया तो जान चली जाएगी, बेहतर है तुम अपनी लिमिट पार मत करो। तुमने मेरा फोन चुराया फिर भी मैंने पुलिस को नहीं बताया। एंग्री बर्ड लगती है। प्रिया फोन देना जरा, एक बार मेरा फोन मुझे मिल जाए फिर इसे दिखाती हूँ। तुझे एक पुरानी बात बताऊँ, जब मैं छोटा था तो इसी हॉस्पिटल में। बात करना, कहाँ जा रहा है, सीधा चल। कब से कोई फोन लगा रहा है, अब तक इसमें 25 से 30 कॉल आ चुके हैं और ये मिला कर 31 बार। ओ भाभी जी, मैं कब से आप ही को ढूंढ रहा था, ये रिंगटोन चेंज कीजिए, बहुत इरिटेटिंग है। ए, ये फोन तुम्हें कहाँ से मिला? आपको नहीं पता, एक्चुअली हुआ ये कि यार फोन चोरी किया तूने और बचने के लिए मुझे यार बना रहा है। चोर कह रहा है तू मुझे? सर सुनो, आजकल फोन चोरों की तादाद बढ़ गई है, बच के रहना। सुनो सिस्टर, मोबाइल के बदले इनकी किडनी आंखें ले लो, फायदे में रहोगी, रेट बताओ जरा। 3 लाख रुपए मिलेंगे। ये इंजेक्शन घुसेड़ दिया तो ये अपने आप मर जाएगा डॉक्टर, ये धरती पे बोझ है, जिंदा रह के किसी के काम नहीं आने वाला है और ना ही किसी का भला करने वाला है। इसकी शक्ल भी देखिए, बिल्कुल लफंगे जैसी। ए, मैं कोई लफंगा नहीं हूँ, एक्चुअली ये फोन इसे दे दे, ऐसे वैसे बहाने बनाकर भागने की कोशिश मत करना। बता क्या प्लान है तेरा, तू भागने की कोशिश बिल्कुल मत करना। वो शायद भागने की ही सोच रहा है। मैं समझ गया, तो ये ले। उसे पकड़ना होगा।
वैसे मोटी माता, मुझ पर चोर का लेबल लग चुका है, तो मैं चोरी करूं क्या? तुम्हें जो करना है करो। करेक्ट आंसर। चोरी की यार मैंने। ए, तूने मुझे चोर क्यों बनाया? वरना मेरी गर्लफ्रेंड कैसे मिलती तो यार? तो मेरी वाट लगाएगा? मुझ पर चोर का लेबल लगने के बाद मैंने एक मोटी माता का हैंडबैग चोरी किया, वो मेरे बॉस की वाइफ निकली, मुझे पहचान लिया और मुझे नौकरी से निकाल दिया। डंडा ठोकना कोई बड़ा काम है क्या? क्या है बोलना? नहीं कुछ नहीं। मैं ऐड देख के कोई अच्छी नौकरी ढूंढ, चल जा। नहीं जाऊंगा। कहां ना जा? कहां नहीं जाऊंगा। फोन ला यार। रुको मत यार, ये लो। थैंक्स यार सत्या। ओके ओके, मिल गई मेरी स्वीटहार्ट। बाय। यार ये फोन तूने कब उड़ाया? बचपन की बात है, जब मैं चड्डी में फ्लैशबैक में जाएगा। फ्लैशबैक में जाएगा तू? ओ मेरी। यहां क्या कर रहे हो? पारो चाहिए। पारो के ब्रदर हो? तेरी बॉयफ्रेंड हो? बॉयफ्रेंड हो? पारो का बॉयफ्रेंड? बॉयफ्रेंड? मेरा बॉयफ्रेंड? क्या यार तू भी, कल तक तो कह रही थी कि मैं किसी से प्यार नहीं करूंगी। प्यार करते नहीं हो जाता है। कुछ भी क्या यार, शट अप। वो यहाँ तक आ गया तो मेरे बॉयफ्रेंड कब से हो गए? मैं एक बॉय हूँ, तुम मेरी फ्रेंड हो, इसलिए बॉयफ्रेंड बोला। यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें जो चाहिए था वो देने के लिए। तुम्हें कहाँ से मिला? वो चोर चाय पानी के पैसों के लिए चोर बाजार में ये फोन बेच रहा था, उससे छीन कर दुकान के नीचे बजा के ये फोन ले आया। थैंक्स। थैंक्स की जरूरत नहीं है। लगता नहीं तुम सिर्फ इस काम से आए। मोबाइल देने के बहाने तुम्हें देख भी लूं इसलिए यहाँ आया। डिनर पे चले? हंसी मतलब हंसी। चाइनीज और यहाँ? तो फिर तुम्हें चाइना ले जाता क्या? सच में तुम्हें गुंडे हो क्या? वो मेरा प्रोफेशन नहीं है जाने मन, मेरी जरूरत है। करोड़ों रुपए कमाकर अपना बिजनेस डालने के लिए फिलहाल मैं ये काम कर रहा हूँ। हाँ, प्यार से मांगो तो गुंडे बहुत मारते हैं, इसलिए ये सब करना पड़ता है। अब ये बताओ, ये ब्रांडेड फोन है लेकिन तुम्हारे किसी काम का नहीं। अरे कम से कम सुबह सुबह उठ के गुड मॉर्निंग का मैसेज चाहिए, वो नहीं तो कम से कम रात को गुड नाइट का मैसेज तो हो। अपनी जवानी को तुम बेकार में इस तरह वेस्ट क्यों कर रही हो? तुमने मेरा फोन चेक किया? तुम दिखने में तो डिसेंट लगते हो पर अंदर से बदमाश हो। क्यों तुम नहीं हो क्या? हार्ड ड्रिंक पीकर डॉक्टर का जॉब करती हो। वैसे कौन सी वाली पसंद है? सच कहूं तो मुझे पीना बिल्कुल नहीं पसंद। मेरी पोस्ट के हिसाब से मुझे पेमेंट नहीं मिलता है। मेरे पापा के हाथ में सिर्फ महीने के एंड में 20,000 ही रख पाती हूँ। उनका हाथ बटाने के लिए नर्स का जॉब भी कर रही हूँ। मुझे यहाँ का रहन सहन कुछ भी पसंद नहीं है, इसलिए मैंने दुबई जाकर सेटल होने का फैसला किया है। मनपसंद जॉब, 2,00,000 सैलरी और लग्जरी लाइफ, यही चाहती हूँ। तुम्हें मैं एक और बात बताऊँ, मैं दुबई जाने तक किसी से प्यार नहीं करूंगी। वहां जाकर किसी अच्छे डॉक्टर से शादी करके सेटल हो जाऊंगी। ये बताओ, करोड़ रुपया कमाकर तुम क्या करोगे? मैं कमाने के बाद मैं करोड़पति हूँ ये नोटों का बंडल सामने रखकर यहीं पर किसी सीधी साधी लड़की का हाथ पकड़कर उसके साथ घर बसाकर आराम से लग्जरियस लाइफ जीऊंगा। लगता है तुम्हारी लव लाइफ पूरी तरह डामाडोल है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। अगर मुझे कोई फिक्र होती तो ये सारे बर्तन उल्टा पुल्टा करके हाय मर गया कहकर नाचता रहता। एक बात गांठ बांध लो, दोस्ती हो या यारी हो, हर बात की हद होनी चाहिए। हर रिलेशन की अपनी एक लिमिटेशन होती है। अच्छा, रिलेशन है, लिमिटेशन है, हर बात के पीछे ओवर रिएक्शन। लगता है मेरा इमोशन इसे समझ में नहीं आया। सच में तुम्हें गुंडे हो। सुनो मैडम, हर एक्शन के पीछे एक रिएक्शन जरूर होता है। तुम बहुत लकी हो, बिन मांगे तुम्हें 3 बार किस मिल गई। वैसे आज का दिन याद रखना, अभी जा रही हो लेकिन एक दिन वापस लौट कर जरूर आओगी। हेलो गनी भाई, गुड मॉर्निंग। तू कहाँ गायब था रे कृष्णा? इसे सब लोग यहाँ ढूंढ रहे हैं और इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब इसे फर्स्ट टाइम देख रहा था तभी समझ गया था बहुत चालू चीज है। सुन सीनू। जी भाई। कृष्णा का पता चला? भाई मैं आ गया भाई। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सीनू। जी भाई। रसूल मैकेनिक के वर्कशॉप पे जाओ, सिर्फ धमकी देनी है। माल देता है तो कैश लेकर आना और कुछ नहीं, जाओ। ठीक है भाई। ये जरूर। मालिक ने क्या बोला? तुम्हें एक काम दिया है, मुझे एक काम दिया है। तुम्हारा काम पूरा होने के बाद मेरा काम करने के लिए बोला। सच कह रहा है? चलो भाई से पूछ लेते हैं। भरोसा है? तू थोड़े झूठ बोलेगा। चल आओ। ए ढकन, पीछे बैठ जा। मैं भी चलूं क्या? बैठ। चल तेरे साथ ही बैठता हूँ, चल आ जा। शाना मत बन, जल्दी बता माल कहाँ है। नहीं मालूम। हम लोग श्री सलम के आदमी है। 2 दिनों से सूरत नहीं देखी तुम्हारी, पता है मेरे दिल पे क्या गुजर रही है? फोन इसलिए उठाया ताकि तुम्हें फिर से समझा सकूं। मैं दुबई जाने तक किसी से प्यार नहीं करूंगी, बताया था ना तुम्हें। मेरी बात सुनते तुम अपना प्लान बदल दोगी? मेरा प्लान बदलने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि मैं प्यार करूंगी ही नहीं। साइलम के आदमी हो तो क्या हुआ? माल यहाँ नहीं है, जा बोल दो। चुप, ये कोई जगह है गर्लफ्रेंड से बात करने की? जाने मन, 2 मिनट जरा होल्ड करना। ओके, इज्जत से बता दे माल कहाँ है, मैं तुझे 5 मिनट देता हूँ, उसके बाद जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद हो गए। इतनी बार कहा, हमें कुछ नहीं मालूम है। वहाँ है, वहाँ रखा है माल। भाई माल मिल गया है। बोलो जाने मन। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रही हो?
एक पेशेंट को मैं स्टिचेस लगा रही हूं। एक और भेज रहा हूं तुम्हारे पास। मस्त बिजनेस है, मैं ठोकता रहूंगा तुम टाके लगाती रहोगी। क्या कहती हो, जल्दी बोलो इस काम में मेरा कमीशन कितना रहेगा। चलो भाई से बोल दे अफजल का मैटर सॉल्व हो गया। ठीक है बताओ कहां मिलते हैं। अच्छा वही हमेशा के स्पॉट पर। भाई अपने साथ मुझे हमेशा आगे बिठाते हैं। अपना अगला शिकार करीम भाई।